Hi everyone, assalamu alaikum. Aaj main shami kebab banane ja rahi hu, to uske liye sab cheeze maine taiyar kar li hain. Aur ye hai chicken fillet, iske chote chote piece karke in sab cheezon ko mix karke hum paka lenge. To sabse pehle isme dekhte hain ki ingredients kya hai. अच्छा जी, इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं, कीमा आधा किलो, और मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ इसलिए उसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं डाल दूंगी, और आधा आधा पाव जो है वो आलू है, प्याज एक, लहसुन आठ जो है, दाल चना एक छटांग, अदरक आधी छटांग, काली मिर्च बारह दाने, लौंग दो, जीरा दो चुटकी, अंडे तीन अदद, हरी मिर्चें छः, लाल मिर्च और नमक हसबे जायका, लेकिन मैंने उसमें अपने मर्जी से डाल लिया है तो आप भी अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा. अब ये हम चिकन जो है इसके छोटे छोटे पीसेस करके सब चीज़ों को एक साथ डाल देंगे. अच्छा जी, अब मैं ये सारी चीज़ें देखचे में डाल लूँगी और मिक्स करके फिर इसको पका लूँगी. ठीक है, ये सारे मसाले भी डाल दिए. ऑनियन, अभी ये आलू भी मैं इसमें डाल दूंगी, और अब इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लिया. अब दो कप पानी डाल के इसमें, और मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी अबाउट 20 मिनट्स. अब इसमें दो कप पानी भी मिला दिया, तो अब ये सब चीज़ें मैंने चूल्हे पे छुड़ा दी हैं और मीडियम आंच पे रख दिया है, और जब ये पानी सूख जाएगा और ये दाल सॉफ्ट हो जाएगी, यही सबसे ज़्यादा तो सख्त होती है, तो फिर मैं इसको उतार के कबाब बना लूँगी. ये देखिए, अब ये मेरा कीमा तैयार हो गया है, अब ये पानी ड्राई हो चुका है और मैंने उसे उतार लिया है. अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, और इसमें कुछ सब्ज़ मिर्चें और धनिया भी ऐड कर दूँगी. ठीक है, अब ये देखिए जी, ये तैयार हो चुका है. मैंने इनको पीस लिया है, इसको जो चिकन था और बाकी सब चीज़ें जो उसमें थी, दाल और आलू और एवरीथिंग, तो इनको मैंने पीस लिया है. अब ये बिल्कुल तैयार है कबाब बनाने के लिए. तो अब मैं तीन या दो तीन अंडे फेंट लूँगी इसमें, और फिर इनको कबाब बना के मैं तल लूँगी. और अगर जरूरत पड़े तो बाद में और भी मैं फेंट सकती हूँ. तो राइट, ये देखिए, इस तरह से टिक्की बना के आप इसको हम इसमें डबो के, और फिर ये देखिए इस तरह से टिक्कियां बना लें राउंड राउंड.
और फिर उसको एग में मिक्स डुबो कर तल लें। इस तरह से थोड़ी देर के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे, ब्राउन जब हो जाएंगे तो तब मैं इसको उतार लूंगी। अभी देखें ब्राउन हो चुकी है, मज़े मज़े की ब्राउन ब्राउन टिकिया। अच्छा जी ये देखिए अभी ये गोल्डन ब्राउन हुई है, इतनी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हुई है क्योंकि फिर तो वो जला हुआ टेस्ट आएगा, तो बस इस तरह की शक्ल होनी चाहिए। ये देखिए जी अब ये मेरे कबाब हो गए तैयार, तो आप अब खा सकते हैं विद टमाटोज एंड टमाटो चटनी और ग्रीन चटनी, यू कैन ईट विद देम। बहुत ही मज़े के हैं, आप ज़रूर ट्राई करें बना के, और अगर पसंद आए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स भी कर दिया करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ रूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी हम आपको खा के बताते हैं कितनी डिलीशियस है शामी कबाब, सो नाइस, वेरी इजी एंड जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये वाओ डिलीशियस एज ऑलवेज, वेरी नाइस, डेफिनेटली ट्राई दिस, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक्स फॉर ट्राइंग, कांट स्टॉप। Thank you.